Hello guys, welcome back to our channel. This side Winkle, hope you are doing well and you're watching Explorers. So guys, welcome back to another YouTube video. So guys, आज बात कर रहे हैं हम कुछ serious topics पे, like कि मैं सुन रहा हूँ कि थोड़े दिनों से बच्चों के थोड़े refusals आ रहे हैं. तो क्या reasons हो सकते हैं कि refusals आ रहे हैं, मतलब कि main आज हमारी बात करने का topic ये है कि what are the main factors, main reasons behind these all types of refusals. तो बात करेंगे guys डिटेल में, छोटी छोटी बात में कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक प्रोफाइल के पीछे उसका जो रिफ्यूज़ होने के क्या कारण हो सकते हैं. तो गाइज़ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ जब आप अपना एक केस लेके एक एजेंट के पास जाते हो तो वो आपसे क्या क्या डिमांड कर रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उस एजेंट को भी जज कर रहे हैं कि उसका क्या लेवल है, वो क्या एक प्रोफेशनल तरीके से काम करता है कि बस दो चार तीन पांच बंदों का एक सेशन में वीज़ा लगा दिया और दैट्स इट. तो थोड़ा सा आपको आपके सामने बैठे बैठे वाले जो बंदा है उसको जज करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपनी एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हो, तो आपको सामने बंदे को जज करना ही पड़ेगा. लाइक उसका क्या सक्सेस रेट है, कितने नंबर्स ऑफ वीज़ा लगा रहा है, अगर उसकी रिफ्यूज़ल आ रही है तो कितने सक्सेस नंबर्स के बाद उसकी एक रिफ्यूज़ल या दो रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं गाइस, बिकॉज वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सिटी के आगे, एम्बेसी के आगे, तो उसका प्रोफाइल, उसकी जो वैल्यू है वो होनी अच्छी होनी चाहिए. तो बहुत मैटर करती है ये चीज़. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एजेंट चूज़ करना ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक रिफ्यूज़ल के पीछे, कि आपने जो एजेंट चूज़ किया है वो कैसा है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका सक्सेस रेट क्या है, और वो जो SOP वगैरह बना के दे रहा है और अब आपकी SOP को चेक कर रहा है, आपकी प्रोफाइल को आगे एम्बेसी में लगा रहा है, तो किस वे से लगा रहा है, उसका वे ऑफ फाइलिंग, उसकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको बहुत मैटर करती है. तो मेक श्योर आप कभी भी एक जगह जाके, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कभी भी एक एजेंट, कभी भी एक कंसल्टेंट के पास जाके डायरेक्ट उसके हाथ में अपना केस मत दे दो. यू नीड टू सर्च, यू नीड टू एक्सप्लोर डिफरेंट आप कंपनीज़ के पास जाओ जो ये काम करते हैं, जो वीज़ास का काम करते हैं, उनके पास जाओ, उनसे अपनी प्रोफाइल डिस्कस करो, फिर उनसे सक्सेस रेट पूछो और उनसे ऑप्शंस लो कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए. तो गाइज़ दूसरे फैक्टर की बात करेंगे अब, जो कि एक रिफ्यूज़ल का कारण हो सकता है, वो है गाइज़ कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन गाइज़ ऐसे है कि आप जो फाइल्स, जो आपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो अपने एजेंट के थ्रू एम्बेसी या अपने कॉलेज में, तो वो कितने ज़्यादा क्वालिटी उनकी कैसी है, उनकी क्वालिटी गुड है, बेटर है, बेस्ट है, एक्सीलेंट है, क्या है, मतलब कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप खुद तो कुछ बोल नहीं रहे, आपके पेपर्स, आपकी फाइल, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर उनमें थोड़ा सा भी फ्लो रह गया तो समझ लो कि आप अपनी लाइफ को एंडेंजर्ड कर रहे हो, क्योंकि आपका ये फ्यूचर है और अगर फ्यूचर ख़राब करोगे तो ऑब्वियसली लाइफ तो ख़राब होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या देखना है, कि कहीं आपका कोई जो डॉक्यूमेंट वो कोई रह तो नहीं गया, कि अगर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसके बाद गाइस कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं लगा दी जो कि उन्होंने पूछी नहीं है और वो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रही है. और गाइस किसी टाइम ऐसा होता है कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हो. फेक डॉक्यूमेंट का मीन्स है जैसे कि आपने अपना गैप क्लियर करने के लिए कोई फेक डॉक्यूमेंट बना दिया और उसके आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है. तो गाइस वो हाईली एक्सपीरियंस्ड और एक्सीलेंट पर्सन बैठे हैं तो वो आपको एक मिनट में पकड़ लेंगे कि हाँ ये बंदा यहाँ पे फेक है. अगर गाइस आज नहीं पकड़े जाओगे तो कल तो पकड़े ही जाओगे जब आपने आगे एम्बेसी में जाना है. अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं जज कर पाई तो एम्बेसी तो जज कर ही लेगी. तो मेक श्योर अगर आप कोई, वैसे तो ऐसा स्टेप गाइस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लो, अगर तो ले रहे हो तो मेक श्योर आप उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए तैयार हो. तीसरी चीज़ जो गाइस डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूरी है वो है कि आप जब अपनी फाइल प्रोसेस कर रहे हो तो SOP जो लगाते हो वो आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप क्या क्या डाल रहे हो, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो
आपको इंक्लूड करने हैं और आपने इंक्लूड किए हैं कि नहीं। एक एक फॉर्मेट होता है जो कि हर कंसल्टेंट के पास होता है, उससे पूछो, उसे काउंटर क्वेश्चन करो कि अगर मैं ये डालूंगा तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान में रखो। तो गाइज अब हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, जो कि हो सकता है एक रिफ्यूज़ल का कारण। तो जो तीसरा फैक्टर है गाइज रिफ्यूज़ल का, वो हो सकता है कि आपके जो गैप वगैरह है उसको आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो। गैप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक रेलेवेंसी, रेलेवेंसी ऑफ द आपका जो आप कोर्स ले रहे हो यहाँ पे आने के लिए, उसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए। वो ये मैं हर बार बोलता हूँ कि ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट ये इतनी मैटर करती हैं कि आपकी रिफ्यूज़ल तक जा सकती है ये। मैं वैसे तो सबका वीज़ा आना चाहिए क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, बट गाइज जो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इनका ध्यान रख लोगे तो मेक श्योर आप, मेरे तरफ से तो आपको एक प्रॉपर प्रूफ है कि हाँ नहीं, मतलब कभी आपका रिफ्यूज़ल आएगी अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो। तो गाइस बात कर रहे थे हम कि जो गैप की जस्टिफिकेशन, और जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि आपका जो कोर्स आपने लिया है वो रेलेवेंट है कि नहीं। गाइस किसी टाइम ऐसा होता है कि आपका गैप होता है 1 साल का, उस 1 साल में आपने 6 महीने आयल्स की होती है और 6 महीने आपने किसी कंपनी में जॉब की होती है। तो जो 6 महीने आपकी आयल्स के हैं वो तो गैस आपके माने नहीं जाएंगे, बिकॉज़ वो कहते हैं कि आयल्स जो है ये आपका कोई कोर्स नहीं है, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम है, तो इसको हम एज अ कोर्स नहीं रख सकते। तो इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो कोर्स के रिगार्डिंग नहीं कंसिडर की जा सकती। तो गैस जो 6 मंथ का आपका वो है एक्सपीरियंस, उसमें गैस आपको एक्सपीरियंस ऐसे आप वर्बली नहीं बता सकते किसी, मतलब आपको उसके लिए एक प्रॉपर हार्ड एविडेंस चाहिए। हार्ड एविडेंस का मतलब ऐसा है कि आपकी जो सैलरी है वो बाय कैश आनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ी मैटर करती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि गाइस ऑस्ट्रेलिया गैप नहीं मांगता और वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है अगर किसी बच्चे का गैप है, कि उस बच्चे ने उस टाइम पीरियड के दौरान क्या किया है और उसकी जस्टिफिकेशन उसके पास है कि नहीं है। ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपने। और गैस जो लास्ट मैंने आपको जैसे बताया कि रेलेवेंसी, रेलेवेंसी का मतलब ये है कि जब आपने फाइल प्रोसेस की अपनी, तो आपने एक कोर्स लिया, कि जैसे मैंने मेरी थी, मैंने बीसीए की थी, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैंने मास्टर्स लिया इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन रेलेवेंट हो रहे हैं आपस में, जो इनके मेन सब्जेक्ट्स हैं। मेरे कई सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने पहले पढ़े हुए हैं, अब मैं फिर से उनको पढ़ रहा हूँ या अगले सेमेस्टर में पढ़ूंगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ उनको लगे कि हाँ इसने अगर वहाँ पे बैचलर्स डिग्री की है और यहाँ पे आके मास्टर्स कर रहा है, तो दोनों को, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना, तो आपके वीज़ा के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर तो मेरा भाई कोई, जैसे उन्होंने उसने पहले की हुई है बीएससी नर्सिंग और यहाँ पे वो फिल्म एंड मीडिया में आने की कोशिश कर रहा है, तो गाइज आप देख रहे हो कहाँ बीएससी नर्सिंग और कहाँ फिल्म एंड मीडिया, मतलब दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो इस चीज़ को वो थोड़ा जज करेंगे कि हाँ ये, इसने यहाँ किया कि ये तो नहीं इस कोर्स में, यहाँ सिर्फ कंट्री में आने के लिए ये कोर्स ऑप्ट कर रहा है, इसकी फ़ीस कितनी है, ये सारा कुछ देखेंगे वो। फिर एट द एंड आपको जो इवेंचुअली वो आपको रिज़ल्ट देंगे इसका, कि क्या आपका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। और गाइज अगर आप रेलिवेंट नहीं लगा रहे तो 90%, मैं गाइज नेगेटिव नहीं जा रहा, बट 90% चांसेस होते हैं कि रिफ्यूज़ल आ जाए। पहली बात तो एजेंट ही वो ख़राब होगा जो आपको ई रेलिवेंट कोर्स अप्लाई करवा के देगा, तो ऑफ़र लेटर ही नहीं आएगी आपकी, मे बी हो सकता है। मेक श्योर आप रेलेवेंट ही चोर्स जो आपका कोर्स है वो चूज़ करें। तो ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, कि आप अगर बच सक, आपको चाहते हैं कि आपकी रिफ्यूज़ल ना आए, आप रिफ्यूज़ल से बचना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लें। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट आपको ये एट द एंड आपके वीज़ा हाथ में आएगा अगर आप इनको फॉलो करोगे। अगर आप थोड़ी सी भी निगलेक्ट करते हो, थोड़ी सी भी मतलब कि अपने दिमाग में रखते हो कि चलो कोई बात नहीं देखी जाएगी, तो गैस समझ लो आप अपना 2-3 लाख रुपया ख़राब कर रहे हो। तो क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है तो एटलीस्ट इतने पैसे तो ख़राब हो ही जाएंगे। बाकी गैस जो दिल में, जो मेंटली बंदा जो वो हो जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है उसके पास, कि हाँ स्ट्रेस आ जाता है कि मेरा वीज़ा नहीं आया, तो वो गैस बहुत बहुत बुरी चीज़ है। मेक श्योर उस चीज़ों से बचने के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें कि क्या कहने की कोशिश की गई है। अगर आप ये चीज़ें अपने एजेंट से पूछोगे तो वो भी थोड़ा अवेयर रहेगा, हाँ अभी जो आगे बंदा बैठा है मेरे, इसको नॉलेज है, और वो आपको सही कंसीडर करेगा, अच्छे से कंसीडर करेगा, और आपकी जो प्रोफाइल को वो ध्यान में प्रॉपर से आंखें खोल के काम करेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस
आपको इतना बताने की ही कोशिश की है। और गाइज एक और चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है, आज मैं जैसे सोच रहा था वीडियो के लिए तो अचानक से बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने लग पड़ी और हेल स्टॉर्म आ गया। हेल स्टॉर्म का मतलब है जैसे है कि बर्फ़ के गोले पड़ने लग पड़ते हैं, तो इतने ज़्यादा पड़ गए, मैं आपको आगे शॉर्ट्स दिखाता हूँ, आपको अच्छे लगेंगे, बट बहुत ही मज़ा आया। मतलब कि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा और आई रियली लाइक इट कि हाँ वेदर चेंजेस, मतलब एकदम वेदर चेंज हो गया। कैसे कल इतनी गर्मी थी और आज बहुत, मतलब कि मैंने एक मिनट के लिए पानी में पैर रखा और इतना ज़्यादा मेरा पैर मतलब ऐसा था फ्रीज़र में लग गया। तो आपको दिखाता हूँ आगे शॉर्ट्स की कैसे कैसे हैं, थोड़े से सिनेमैटिक टाइप लेने की कोशिश की है, तो होप आप लेंगे। और गाइस मेक श्योर आप रिफ्यूज़ल की चीज़ को ध्यान में रखें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, माइंड में रखने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिफ्यूज़ल ना आए कि वो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, बी सेफ एक्सप्लोरर्स।